हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है और शेयर भी करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कंपास, इसे राउंडर भी बोलते हैं, स्केल और पेंसिल, ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। अभी हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से आपको ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन 2, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। एग्जाम्पल 8, टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन अ गिवन बेस। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन द गिवन लाइन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। हिंदी प्रश्न विभाग दूसरा, त्रिभुज रचना। उदाहरण 8, दिए गए आधार पर एक समबाहु त्रिभुज बनाना। प्रश्न, 4 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। मराठी प्रश्न, 4 सेंटीमीटर बाजूंचा समभुज त्रिकोण काढ़ा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में दिखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में हमें 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की एक भुजा दी गई है, इसे हम नाम देंगे BC। यहाँ पर लिखेंगे उसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। जो हम त्रिभुज बनाने वाले हैं उसकी एक भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर, उसे हमने निकाला है। उसके बाद हमें राउंडर लेना है, कंपास लेना है, और कंपास में, राउंडर में हमें BC लाइन इतना डिस्टेंस लेना है, और BC पॉइंट से BC लाइन के ऊपर वाले हिस्से पर एक आर्क बनाना है। इस प्रकार से उसके बाद यही डिस्टेंस रखकर दोनों आर्क का रेडियस जो है वो इक्वल रखना है। यही डिस्टेंस से C पॉइंट से इस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क का जो डिस्टेंस है वो हमने इक्वल रखा है। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, वहाँ पर हमें पॉइंट लेना है, उसे डार्क करना है और उस पॉइंट को नाम देना है ये। अब हमें A और B पॉइंट को लाइन से जोड़ना है इस प्रकार से, और A और C पॉइंट को भी लाइन से जोड़ना है इस प्रकार से। इस लाइन को मैं डार्क करता हूं। इस प्रकार से हमारा ABC एक समबाहु त्रिभुज बन गया है। बच्चों, बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन था। आज का यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो आपको कमेंट करके हमें बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब आप घर पे स्कूल में प्रैक्टिस करोगे तो ये जो भुजा है इसका आपको डिस्टेंस चेंज करना है। यहाँ पर आप 5, 6, 7 कोई भी सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर इसके नाम चेंज कर इस क्वेश्चन को बार बार निकालने की, बनाने की प्रैक्टिस करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।